इतनी जो धूप होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, वो आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। स्किन में डार्कनेस भी ला सकती है, स्किन में पैचेस भी ला सकती है। साथ ही साथ में ये हानिकारक रेस इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि ये आपकी स्किन में अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है, टैनिंग अगर आपको ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो ये आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, मेलास्मा, जिसको हम छाइयाँ बोलते हैं, उस तक का रूप ले लेती है और स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, ड्राई कर देती है और स्किन में बिल्कुल भी ब्राइटनेस खत्म कर देती है, स्किन के सेल को भी डैमेज कर देती है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है अल्ट्रावायलेट रेज में, इसलिए ज़रूरी है स्किन की केयर करना। तो आज जो मैं आपके पास में 5 पावर पैक लेकर के आई हूँ, ये इतने अमेजिंग पैक है और घर पर ईजिली तैयार हो जाएंगे। आप इसका रेगुलर यूज़ कीजिए। इसमें मैंने स्क्रबिंग भी बताया, इसमें मैंने मास्क भी बताया। तो इनका रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन में जो भी डैमेज हुआ है ना, डे बाई डे जो भी आपकी स्किन में डैमेज हो रहा है, और अगर आप रेगुलर इन पैक का यूज़ करते हैं, तो वो डैमेज तुरंत ही आपकी स्किन में से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बाहर तो हमें निकलना पड़ता है, और बाहर ही नहीं, जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी ये रेस हमारी स्किन को डैमेज करती है। इसलिए समर में इन पैक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इन पैक को यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहे, रेडियंट रहे और स्किन आपकी डैमेज होने से बच जाए। चलिए अब बनाते हैं हम हमारा सबसे पहला पैक। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज के छिलके का पाउडर, इसमें थोड़ा सा शहद डाला है और जस्ट इसको पानी के साथ में मिक्स किया। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक रखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ऑरेंज पील क्या करता है, आपकी स्किन में जितने भी दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स होते हैं, सन टैन होता है, उन सबको क्लीन करने का काम करता है, ब्राइट करने का काम करता है। कैसे ये ब्राइट करता है, तो जो ऑरेंज के छिलके होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी स्किन में डीपली जाता है और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम को बाहर निकालने का काम करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है। विटामिन सी का काम ही ये होता है और आपकी स्किन को क्लीन भी करता है, ऑयली स्किन में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पे मैंने फेस को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, पैक लगा लिया है, 5 मिनट तक रखना है, उसके बाद थपथपा के सुखाना। इससे आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन में ग्लो भी आता है। चलते हैं हमारे सेकंड पैक की तरफ। तो सेकंड पैक जो है वो बनाया है कॉफ़ी से। कॉफ़ी ली है यहाँ पे थोड़ी सी, जो नॉर्मल कॉफ़ी आती है, विटामिन ई का कैप्सूल लिया है और अगेन मैंने थोड़े से पानी से इसको मिक्स किया है। मैं पैक को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट आपको इसको रखना है, ये आपकी स्किन में से डेड स्किन लेयर को हटाएगा और स्किन को ब्राइट करने का काम करेगा। जो भी आपके पोर्स ओपन होंगे उनको श्रिंक करने का काम करता है और स्किन में एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स निकल जाती है। इसमें कैफीन होता है जो बहुत अच्छा वर्क करता है। स्किन को क्लीन करें, पैक लगाए और थप थपा के फेस को सुखाना है ताकि स्किन आपकी ग्लो करे। चलते हैं पैक नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर लिया, ये मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। इसमें अगेन से शहद डाला है, ये इंस्टेंट ग्लो का काम करता है और इसको मिक्स किया है और 2 से 3 मिनट रखना है। जो ब्राउन शुगर होती है वो स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करती है। तो ये क्या करेगी, आपकी स्किन की डीपली लेयर तक भी अगर डस्ट जमी हुई होगी ना, तो ये उस डस्ट को भी रेगुलर यूज़ से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालेगी और स्किन को क्लीन करेगी। जब स्किन क्लीन होगी तो अपने आप स्किन आपकी ब्राइट दिखने लग जाएगी। फेस को अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद ही पैक का यूज़ करें। मैं बार बार बता रही हूँ, इसको 5 मिनट तक रखना है, उसके बाद में आपको वॉश करना है। इस तरह से बिल्कुल भी वॉश करने के बाद नहीं पोछे, इस तरह से डैप डैप करके पोछे या फिर फेस को थपथपा के सुखाएं। थपथपाने के फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलते हैं हमारे 4 नंबर के पैक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेरी फेवरेट मुल्तानी मिट्टी, उसका थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें मैंने रोज़ पेटल्स का पाउडर डाला है जो सूखा हुआ मेरे पास पड़ा था। अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक रखना है। ये क्या करेगा, जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो आपकी स्किन की एक एक लेयर तक पहुंचती है और स्किन को क्लीन करती है। क्लीन करने के साथ साथ इसका मेन काम होता है स्किन में से जो ऑयल होता है, ऑयल को बैलेंस करने का काम होता है। ऑयली स्किन के लिए तो ये वरदान होती है। मुल्तानी मिट्टी आपके घर में होनी ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इंस्टेंट ग्लो का भी काम करेगी। अगेन मैंने फेस वॉश किया है, इसको लगाया है, जब तक ये सूखे नहीं तब तक रखना है और थप थपा के फेस को आपको सुखाना है। मैं हमेशा थप थपा के फेस को सुखाती हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे लास्ट पैक की तरफ, जो है हमारा मुलेठी पाउडर। यहाँ पे मैंने मुलेठी पाउडर लिया है, अगेन मैंने यहाँ पे लिया है हमारी मसूर की दाल का पाउडर, जो थोड़ा सा आखा पाउडर है ये, और मुल्तानी मिट्टी जो कि मेरी फेवरेट है। ये पैक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मेरी
मेरी ऑयली स्किन है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये पैक भी हो जाएगा और एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा। इसको भी 2 से 3 मिनट रखना है। ये क्या करेगा, आप ये भी आपकी स्किन की डीपली लेयर तक जाएगा और उसको क्लीन करेगा, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है, मुलेठी भी है जो स्किन को ब्राइट करने का काम करती है, ब्लीचिंग का काम करती है। मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे मसूर की दाल का पैक लिया है, जो कि आपकी स्किन में जो गंदगी जमी हुई है उनको बहुत अच्छी तरह से निकालेगा, क्योंकि एक्सफोलिएशन का काम करता है और उसकी वजह से जो भी पोर्स आपके वाइड हो गए उसको श्रिंक भी करने का काम करेगा। तो हुए ना बहुत सारे बेनिफिट इसके। यहाँ पे मैंने फेस को वॉश कर लिया है और उसके बाद ये पैक आपको फेस पे अप्लाई करके रखना है। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, नहीं तो स्किन आपकी खिंच जाएगी और ढीली पड़ जाएगी, रिंकल्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेस को गीला करना है 5 मिनट के बाद और फिर स्क्रबिंग करना है। स्क्रब आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। पहले हमने पैक को रखा, उसके बाद हमने स्क्रबिंग किया। स्क्रबिंग के फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिया है। जब आप स्क्रब करते हैं तो स्क्रब की वजह से आपके जो फेस में जो डस्ट होती है, जो डर्ट होती है, जो डीप लेयर तक चली गई होती है, वो भी अच्छी तरह से निकल जाती है और आपके न्यू सेल्स जनरेशन में बहुत ज़्यादा काम करती है और पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करती है। पोर्स श्रिंक होते हैं तो अपने आप ही आपकी स्किन में डस्ट ना बंद हो जाती है। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे इसका मसाज कर लिया है। कम से कम 3 मिनट तक आपको अपने फेस पे स्क्रबिंग करना है, उसके बाद फेस को थपथपा के सुखाना है। जब भी आप फेस को थपथपा के सुखाते हैं ना, तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और आप जानते ही हैं कि ब्लड का काम होता है बॉडी के एक एक सेल तक न्यूट्रिशंस को पहुंचाना। तो आप सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी तो बॉडी के सेल्स में न्यूट्रिशंस जाएगा और स्किन में ग्लो आएगा। इसीलिए फेस को थपथपाना के सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमारे 5 पैक कम्प्लीट हो चुके हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने वीडियो में हमेशा एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट पैक कौन सा है और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सा पैक पहुँचाता है या ईजिली आपके पास कौन सा अवेलेबल हो सकता है। साथ ही साथ में इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नेचुरल चीज़ों से बने हुए वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे।